नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा पटेल, एक रेकी ग्रैंड मास्टर एनएलपी कोच टैरो कार्ड रीडर, आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ आपसे इनर चाइल्ड हीलिंग की। जी हाँ, बहुत सारे लोग इनर चाइल्ड हीलिंग करते हैं, शायद बहुत सारे लोगों ने ये सुना भी नहीं होगा कि इनर चाइल्ड हीलिंग क्या होती है। हीलिंग तो आप ही लोगों ने मेरे मुँह से कई बार सुनी है, बट इनर चाइल्ड हीलिंग क्या होती है और इसके क्या फ़ायदे और हमें क्यों कराना चाहिए, बात यहाँ आती है। सबसे पहली बात है इनर चाइल्ड हीलिंग। इनर चाइल्ड का मतलब होता है हमारे अंदर बैठा हुआ बच्चा। जी हाँ, जब हम बचपन में होते हैं, बच्चे होते हैं, तो कई बार बहुत सारे लोग हमें हर्ट करते हैं, हमें दुखी करते हैं, हमें डरा देते हैं, हमारे लिए नेगेटिव बोलते हैं कि ये तो कुछ नहीं कर सकता, ये तो गधा है, ये तो लाइफ में कभी कुछ बन ही नहीं सकता, ये तो कितना उधम करता है, ये बच्चा तो शरारती है, पता नहीं कैसे लाइफ में आगे बढ़ेगा, तमाम तरह की चीज़ें। कभी स्कूल जाते तो टीचर पता नहीं कभी कभी कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं जो हमारे दिल में, हमारे मन में, बचपन में घर कर जाते हैं। कई बार हम इतना डर जाते हैं, एक फियर में रहते हैं, ये सारे इमोशंस आपके सबकॉन्शियस में घर कर जाते हैं और आपको लगता है कि हम बचपन की सारी चीज़ें भूल गए हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं होता, जन्मों जन्मों की फीडिंग आपके सबकॉन्शियस में है और आपको याद भी नहीं है। जब बचपन में कुछ गलत इंसिडेंट्स जाने अनजाने हमसे हो जाता है या कुछ गलतियां हो जाती हैं और बाद में हमें गिल्ट भी फील होता कि ये हमने अनजाने में, नादानी में कर दिया, ये चीज़ तो गलत थी, या कोई भी व्यक्ति आपसे कुछ बोलता है और वो आपका विश्वास बन जाता है कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, तो यकीन मानिए वो जो बिलीव है जिसे आप भूल चुके हैं वही आपके फ्यूचर में आके खड़ा हो जाता है और आपके अंदर से एक विचार आता है कि यार मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो सुंदर नहीं दिख सकता, मुझे तो प्यार मिल नहीं सकता, मुझे तो लोग गलती बोलते हैं, मैं तो नालायक हूँ। ये सारे विचार कहाँ से आते हैं आपके अंदर? आपके माइंड में जो पुरानी प्रोग्रामिंग हो रखी है दोस्तों, वहाँ से विचार आता है। आपके इस जन्म के बचपन की भी मेमोरी आपके सबकॉन्शियस में है और इससे पहले जो आपके जन्म हो चुके हैं वो विचार, वो फियर, वो डर जो बचपन में जाने अनजाने आपके ब्रेन में घर कर गए थे वो भी आज आपके अंदर है। कौन से इमोशंस, कौन से डर, कौन से फियर, कौन से कॉम्प्लेक्स आपकी लाइफ में चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कारण इनर चाइल्ड, बचपन की कुछ यादों से संबंध रख सकता है और आपका फ्यूचर, आपका प्रेजेंट हो सकता है वो भावनाएं आज खराब कर रही हैं या आपको आगे बढ़ने से रोक रही हो। दोस्तों, आपको नहीं पता ये विचार क्यों होता है, आपको ऊंचाई से डर लगता है, हो सकता है बचपन में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से आपके अंदर फियर, डर बैठ गया, इसलिए आज आपको ऊंचाई से डर लगता है, आपको बोलने में डर लगता है। तो बचपन में हो सकता है कुछ ऐसा हुआ हो जब आपके बोलने के ऊपर से आपको बहुत तेज़ी से डर गया हो, तो वहाँ के फियर्स आपके अंदर घर कर गए, आज कॉन्फिडेंटली आप लोगों से मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, आप सुंदर नहीं दिखते। तो बचपन में किसी ने कुछ बोल दिया है आपसे कि तुम सुंदर नहीं हो, तुम इतने काले हो, आज वो कॉम्प्लेक्स एक गहराई से आपके अंदर घर कर गया है। दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपके आने वाले फ्यूचर को, आपके प्रेजेंट को, उस फीलिंग्स, उस फियर, वो कॉम्प्लेक्स के माध्यम से काफ़ी इफेक्ट कर रहा है। इनर चाइल्ड हीलिंग में हम आपको मेडिटेशन के थ्रू आपके माइंड के वो बचपन में जो टाइम था वहाँ ले जाते हैं, वहाँ से वो इमोशंस को खोजने का प्रयास करते हैं आपके माध्यम से, आपके सबकॉन्शियस माइंड के माध्यम से। जब वो इमेजेस, वो फियर्स, वो फीलिंग्स आपको याद आती है तो उसे हम NLP के माध्यम से, रीप्रिंटिंग के माध्यम से, सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्रामिंग से आपके अल्फा लेवल में ले जाके उसको रिलीज़ कराते हैं, उससे छुटकारा आपको दिलाते हैं। तो जैसे ही वो चीज़ आपकी लाइफ से चली जाती है, आप उसको नकार देते हैं, तो आपके प्रेजेंट की प्रॉब्लम्स और फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम सॉल्व होने लगती हैं, आपका वो फियर कम होने लगता है और एक समय बाद पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। वो मेमोरीज जो आपके सेल में घर कर गई हैं दोस्तों, जो बचपन की यादें, इमोशंस थी, वो रिलीज़ हो जाती हैं, वो आपसे दूर हो जाती हैं, तो आपका बॉडी, माइंड और सोल हैप्पी हो जाती है और काफ़ी रिलैक्स फील करता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपको नहीं पता कि सबकॉन्शियस में क्या बैठी है, तो आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग के माध्यम से आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपकी बचपन की यादें कुछ ऐसी है जो आज की लाइफ में आपको परेशान कर रही है, आपकी इस जर्नी में आपके लिए रुकावटें हैं, तो आप ज़रूर मुझसे कॉन्टेक्ट करिए, इनर चाइल्ड हीलिंग करवा के देखिए, आपको काफ़ी अच्छी फीलिंग्स आएगी, बॉडी माइंड रिलैक्स हो जाएंगे
और जो इमोशंस आपके अंदर घर कर गए हैं सबकॉन्शियस के माध्यम से, वो जब रिलीज होंगे वो उनसे आपको छुटकारा मिलेगा, तो आपको काफ़ी अच्छी फीलिंग्स होने वाली है, हेल्थ भी आपकी अच्छी होगी, ग्रोथ भी आपकी फ्यूचर में जो हो रही है वो भी अच्छी होगी। तो एक बार इनर चाइल्ड हीलिंग करवा के देखें, एक्सपीरियंस लें इस चीज़ का। उम्मीद है जानकारी दोस्तों आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद, स्वस्थ सुखी संपन्न रहें आप लोग अपनी लाइफ में, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ दोस्तों। प्रणाम।